स्वागत है। खबरों बढ़ते हैं आगे। कोरोना की महामारी में अगर सबसे ज्यादा कोई परेशान हुआ है, बेसहारा हुआ है, बर्बाद हुआ है, तो वो है गरीब तबका। कोरोना ने गरीबों से पढ़ाई से लेकर रोटी तक छीन ली। भरतपुर की कच्ची बस्ती में रहने वाले परिवारों को का दर्द सुनेंगे तो आप सिहर उठेंगे, क्योंकि वो अपने बच्चों को कोरोना के इस काल में ऑनलाइन शिक्षा मुहैया नहीं करवा पा रहे हैं। सरकार ने कोरोना से बचाव के लिए बच्चों को घरों में ही ऑनलाइन शिक्षा देने की सुविधा मुहैया करवाई है, जिससे बच्चे घर पर पढ़ाई कर रहे हैं, कोरोना के संक्रमण से बच रहे हैं। लेकिन गरीब परिवार के बच्चों तक ऑनलाइन शिक्षा नहीं पहुंच पा रही। कच्ची बस्तियों में रहने वाले बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा का फायदा नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर विद्यालय प्राइवेट यानी किराए पर रेंट पर चलता है। यहाँ बच्चे कम से कम वावरी बस्ती में 200-150 से 200 के आसपास हैं, लेकिन यहाँ बच्चों को बिठाने की कोई भी सुविधा नहीं है। इसलिए बच्चों का आधे बच्चे कम रेलवे स्कूल में जाते हैं और आधे बच्चे हम लोगों ने व्यवस्थित कर रखे हैं। हमारे यहाँ 95 बच्चे हैं, इन्हें बिठाने की कोई व्यवस्था नहीं है। जैसे तैसे इन बच्चों की व्यवस्था की जाती है। जानकारी के मुताबिक कच्ची बस्ती में करीब 500 बच्चे स्कूल और कॉलेज की शिक्षा से जुड़े हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते सभी स्कूल कॉलेज बंद हैं और सभी बच्चे बीते कई महीने से बस्ती में ही रह रहे हैं। बस्ती में रहने वाले छोटी मोटी मजदूरी या फिर दूसरे काम करके गुजारा करते हैं। महंगे स्मार्टफोन इनके पास नहीं है, इस वजह से बच्चे ऑनलाइन शिक्षा से वंचित हैं। कच्ची बस्ती में रहने वाली गीता कहती हैं, वो और उनके पति मजदूरी करते हैं तब घर चलता है। ऐसे में तीसरी कक्षा में पढ़ने वाले उनके बेटे को ऑनलाइन शिक्षा दिलाने के लिए महंगा स्मार्टफोन वो नहीं खरीद सकती। 10वीं कक्षा पास करने वाले दिलीप कहते हैं, महंगा फोन नहीं है, 11वीं की पढ़ाई शुरू नहीं हो पा रही। हो नहीं रही है, न समझ में आ रही है। आजकल मैं ऐसे जो मैं टीचर जब क्लीन स्क्रीन नहीं आती है या बच्चे बार बार में कहते समझ में नहीं आ रही है, ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, तो स्कूल जाते तो स्कूल में वैसे कि एडमिशन जब दूसरे स्कूल में जैसे हम निकले तो उनको नहीं, जैसे अभी जो टीसी के लिए पैसे मांग रहे थे तो टीसी के लिए इसमें लॉकडाउन में पैसे है नहीं, तो पैसे कहाँ से लाए। तो दूसरी मैडम से हमने रिक्वेस्ट की कि मैम कि हमको एडमिशन करवाना, तो मैडम मान गई। तो मैं नहीं, मोबाइल वोबाइल तो कुछ नहीं है। बस्ती वालों का ये कहना है कि स्कूल नहीं जाने से उनके बच्चे शहरों में भीख मांग रहे हैं। बाल कल्याण समिति वाले बच्चों को किशोर गृह ले जाते हैं, जहां से उन्हें छुड़ाकर लाना पड़ता है। लोगों ने कम से कम 3-4 साल से लगातार राजस्थान प्रशासन को इसके विषय में बताया है, लेकिन अब तक कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। हम ये चाहते हैं राजस्थान सरकार से कि इन बावरिया जाति के बच्चों के लिए एक सरकारी विद्यालय की व्यवस्था की जाए, जिससे कि इन व्यवस्थाओं का विकास हो सके। आपको ये भी बता दें कि कोरोना संक्रमण के चलते स्कूल और कॉलेज बंद होने से सबसे ज्यादा प्रभाव गरीब वर्ग के बच्चों की शिक्षा पर पड़ा है। अब ऐसे में सरकार को इन गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए ऑनलाइन शिक्षा की अलग से कोई सुविधा होनी चाहिए। देवेंद्र सिंह, जी मीडिया, भरतपुर।